ठीक है भैया, काले को भी बोल सकते मैं। उस संदर्भ में हम आज यहाँ पे पूछताछ के लिए आए रहने के बाद में वहाँ पे डॉक्टर लोग नहीं थे, हमारे को सही हमारे जवाब नहीं मिल रहे थे और उसका निषेध हमने आज व्यक्त किया और उसी तरह जुड़ रहे हम करवाने के लिए आई। जबकि कोरोना टेस्ट के लिए गाइडलाइंस ऐसी दी गई है ICMR और WHO की तरफ से, क्या अगर से उसका कोरोना टेस्ट करना है लेडी है तो उसका लेडी करेगी। जबकि यहाँ पर मोदी हॉस्पिटल के अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज़ का जो टेस्ट हो रहा है इसके अंदर कोई ये नहीं देखा जा रहा है कि भाई ये लेडी है तो इसका लेडी ही टेस्ट करेगी करके। इससे कल जो अप्रिय दुखदायक घटना जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते, ऐसी घटना हुई है जिसका हमने आज यहाँ आके निषेध किया। और यहाँ पहुँच के जब हमने मालूमत ली, डॉक्टर से मालूमत ली, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर से मालूमत ली कि भाई ये जो आपने लोग हायर किए हैं तो इसकी सही तरीके से मालूमत नहीं हुई कि ये लोगों को अर्जेंट में कैसा लिया गया, इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया गया या नहीं लिया गया जो टेस्ट के लिए अपन ने लोग हायर किए, और इनके पास में टेक्निकल क्या डिग्री थी जो कोरोना टेस्ट के लिए स्वैब के लिए होनी चाहिए। एक महिला कर्मचारी है दादा, थोड़ा सा एक महिला कर्मचारी भारतात असं झालेलं नाहीये जे अमरावतीत घडलेलं आहे। उसके मोबाइल के बारे में मैं कैसे बता पाऊंगा? चलो सामने।
ना कुछ बताया, ना हमसे पूछा, ना हमने कुछ देखा। अब ये हुआ नहीं हुआ ये चीज एक बार कंफर्म तो होने दो। वो अरे भाई वो फोन कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, तो कुछ होगा, कुछ हो भी सकता है उनका आपस में। मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ वो लड़की पे ऊपर या मांगे हे लोगा पूरी का बदनाम कर रहा है मांगे हे। मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई वो चीजें क्लियर तो होने दो आप। कैसा है कि हम क्या क्लियर होने दो। अरे तो सॉरी सॉरी ना पूरी टेस्ट कैसे बोल लगा उसने पागल लगा सबसे पहले बोर्ड लगा ये बूथ लगा हुआ है सैप टेस्ट यहां पे होती है। नहीं नहीं बोर्ड लगा कि इस चीज का लेंगे हम वहां से लेंगे मुझसे लेंगे कहाँ से लेंगे वो लगा पहले किसी को करना है। आप बोलोगे उनके बीच में क्या है, उनके बीच में क्या है, तुम ये अच्छा सुनो मेरे को रे मेरे को आप मेरी बात सुनो। उसने फोन फोन पे मैसेज किया या क्या कि वो दोनों को वो हमको कैसे पता रहेगा कि उसने क्या मैसेज किया और उसने उन दोनों के बीच में क्या बात हुई, मैं कैसे बता पाऊंगा ये बताओ। तुम जब महिला का तुम इधर पोरी सोबत जे घडलं ते तर घडलं, पण याचा आरोप काय की पोरगी अशी असू शकते। अरे तुमचं बोलणं तर अर्थ तोच आहे आता उनसे भी पूछो कि वो आया उसने कब बोला क्या किया। वो लोग भी थे ना 20 लोग साथ में आए थे, अकेले नहीं थे ना लड़की वो 20 लोग। ये चीजें कैसा है कि एक चीज, दूसरी बात कैसा है कि ये जो एरिया है लैब का वो लैब के एरिया में लैब टेक्नीशियन नहीं जा सकते, बाकी लोग को अलाउ नहीं है एंट्री। एक लड़की की सैपनेस हो रहे भाई तो उसके साथ में अपने महिला का कर्मचारी ये दो कर्मचारी महिला उसके साथ में रहना जरूरी है। ठीक है तो ऐसा तुम्ही ते 20 कर्मचारी 30 कर्मचारी बेस्ट प्राइस इकडे इकडे सांगू नका। मुद्दा काय होता स्वॅप टेस्ट का तुमच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वॅप टेस्ट केली, स्वॅप टेस्ट का बूथ होय, स्वॅप टेस्ट का बूथ होय। ठीक आहे म्हणतो पहिले तुमच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वॅप टेस्ट केली ना केली तुमचा स्वॅप टेस्ट नेसल तुमच्या कर्मचाऱ्यांनी पाठवले होते काय तुमचा काय काय कार्य केले उसमें तुमने क्या रिपोर्टिंग किया कि ऐसा सा प्रकार हुआ। रिपोर्टिंग महानगरपालिका में रिपोर्ट मैंने मेरा रिप्लाई दे दिया है महानगरपालिका में। काड़े सर ने ही काड़े सर की तरफ से उसकी नियुक्ति है और पूरा जो भी है वो महानगरपालिका के काड़े सर की तरफ से ही होता है उसमें। आप एक बार लगेगा कितने उन्होंने कैसा है कि हमारे पास में इतनी बात सुनो, हमारे पास में एक महिला कर्मचारी की नियुक्ति है लैब टेक्नीशियन, एक ही महिला कर्मचारी है। तो कैसा है कि उन्होंने महिला कर्मचारी क्यों नहीं दिए, लैब टेक्नीशियन में महिला क्यों नहीं दिए, स्वैप कलेक्शन में महिला क्यों नहीं दिए। तुम्हारी डिमांड रख सकते हो ऊपर मनपा में, मेरे फोन पे उनको बोला कोरोना टेस्टिंग के लिए सिर्फ एजेंसी आ रही है, महिला नहीं आ रही। महिला नहीं ना, मैंने उनसे मांगनी की हुई है महिला लैब टेक्नीशियन की मांगनी की पहले उसके पहले स्वैप कलेक्शन के लिए ही की हुई है, स्वैप कलेक्शन के लिए ही महिला कर्मचारी की मांगनी की हुई है। उनके साइड से जाहिरात भी दी हुई है नियुक्ति के लिए, लेकिन बंदे ही नहीं आ रहे थे तो इसलिए वो ये अभी तक नहीं हो पाई थी। और ये क्यों नहीं हो पाई और कैसा क्या है ये जो कार्यभार है ये पूरा महानगर पालिका की तरफ से, अगर आप उनसे पूरा का पूरा पूछेंगे तो बेटर रहेगा। काड़े सर आरोग्य अधिकारी ये सब हो गया था। आप अभी आपने क्या बोला वो लड़की का मैसेज गया था लड़के को, नहीं वो चीज़ नहीं, वो चीज़ आप मुझे बता रहे हो, मेरी बात सुनो आप। हाँ। बता रहे हो कि वो लड़की ने मैसेज किया या नहीं किया, ये चीजें मैं आपको कैसे बता पाऊंगा। आप तो बता रहे हो अभी, तो आपने बताया हमारे पास आपने मुझे बोला मैसेज किया, मेरी बात सुनो आपने मुझे क्या बोला कि वो लड़के ने मैसेज किया लड़की ने, तो मैं बोला ये बारे में वो दोनों बता पाएंगे। नहीं नहीं आपने कैसा बोला फिर वो लड़की है, वो लड़की का वो लड़के का क्या मालूम मेरे को क्या है क्या नहीं, बराबर है ना। नहीं आपका क्या आपका क्या बोलना है देखो, मेरा ये क्यों लड़की गलत है, मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अरे आपका बोलने का अर्थ वही है भाई। मैं कैसा है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लड़की गलत है या वो लैब टेक्नीशियन गलत है, मेरा ये कहना है कि उनके बीच में क्या हुआ जो हमने में से किसी ने देखा नहीं उसके बारे में हम लोग कैसे अपना मत रख पाएंगे। और रही बात यहाँ की सिचुएशन की, यहाँ पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कैसा सिस्टम है, ये चीज आपको जो है ये महानगर पालिका से गाइडलाइंस के हिसाब से डिसाइड हुआ है, एक बार आप उनसे पूछेंगे तो बेटर रहेगा। महिला स्टाफ नहीं है तो बोला हुआ है आप जाने के बाद में एक बार सर से पूछ लो कि हमने मांगनी की है नहीं की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अगर कोई उसमें अगर उसके नियम के विरुद्ध जाकर के कोई काम किया है
ऐसा उसकी गलती के लिए अब कैसा है कि वो रिस्पॉन्सिबल है ना, लैब टेक्नीशियन उसका काम है स्टाफ टेक्नीशियन का ना टेस्ट करना। नहीं, एक बात बताओ, जब स्वैब टेस्ट होती तब आपके कितने लोग रहते वहाँ पे? डाटा ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, अटेंडेंट। फिर वो कहाँ पे थे? गेट पे डाटा ऑपरेटर होंगे। लड़की अकेले अंदर उसके वो, अरे तो हमने से किसी ने देखे नहीं ना डाटा ऑपरेटर यहाँ पे है ना, इनको जाते हुए दिखी और नहीं लड़की ने, वो कब लड़की अंदर के पता ही नहीं है किसी को, हमेशा। अरे तो वो उस टाइम पे कब हुआ वो, कैसा उसने कंप्लेन करी है पुलिस की? इंक्वायरी तो उसकी इंक्वायरी नहीं, कितना फैक्ट है क्या है वो चीजें कैसा है तो ठीक है ना, वो चीजें उनके बीच में क्या हुई वो दोनों बता पाएंगे, उन दोनों के बीच की बात है वो दोनों बता पाएंगे ना आपको, वो लड़की और वो बता पाएगा। आप लड़की से एक बार पूछो की, अरे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सैंप कलेक्शन करवानी और रिपोर्ट देने की है तो वो कर ही रहेगा प्रॉपर। अब उसके बीच में उसमें और उन दोनों के बीच में क्या चीज हुई ये आपको अल्पेश देश को और वो बता पाए। लड़की के साथ में जब लड़की की सैंप टेस्ट होती है तो एक आधी महिला कर्मचारी नहीं रहती, जब डाटा ऑपरेटर हमारे यहाँ पर है फीमेल है वो ये नहीं थे क्या मैडम? मैडम थे, मैडम को भी ध्यान देने लड़की अकेली नहीं थी वो, 15 लोग साथ में थे, 15 लोगों के साथ में घूम गई थी, 15 जनों के सामने उसमें उसके टेस्ट होने के बाद में वेटिंग रूम हमारा उधर का है, तो वेटिंग रूम में पेशेंट वहाँ पे वेट करते हैं रिपोर्ट आने का, उसमें आधे घंटे का टाइम लगता है ठीक है, तो वो आधे घंटे के बीच में उसने टेस्टिंग करने के बाद में पेशेंट वहाँ पे वेट कर रहे थे। उस वक्त कैसा है वो जब गए 4 बजे जब गए वो जब 4 बजे जे प्रकरण झालं ना, आता तुम्ही जे नोडल अधिकाऱ्यासोबत बोलले काय नेमकी चर्चा झाली आणि कशावर चर्चा झाली आणि काय काय प्रतिक्रिया आहे? गौरव बांते शहर अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अमरावती महानगराच्या बडनेरा भागात मोदी हॉस्पिटल हे कोरोना एक सेंटर आहे, इथे कोरोनाची टेस्ट केली जाते आणि काल जो प्रकार या बडनेरामध्ये घडला, एका तरुण मुलीची स्वॅब टेस्ट तिच्या गुप्त अंगाद्वारे करण्यात आली हे सर्वश्रुत झालेलं आहे आणि हा प्रकार अतिशय निंदनीय आहे, म्हणून याचा जाब विचारण्याकरिता आम्ही इथे आलो असता इथले जे VP सिंग नोडल अधिकारी VP सिंग आहे यांचे उत्तर हैरान करणारे आहे, यांचे उत्तर उडवाउडवीचे आहे, ते एकामेकावर जबाबदारी ढकलत आहे। त्यांचं म्हणणं आहे की काळे साहेबांना याच्याबद्दल माहीत आहे। महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की एका मुलीची स्वॅब टेस्ट केली जाते, अशा कितीतरी मुलीच्या केल्या असेल, परंतु तिथे महिला स्टाफची इथे खूप कमतरता आहे। फक्त एक महिला यांनी तर आम्हाला दाखवली की एक महिला फक्त इथे आहे, म्हणजे इतका बेजबाबदारपणा। उद्या चालून कोणाच्या मुलीबाळीला महिलेला जर स्वॅब टेस्टसाठी पाठवायचं असेल तो नेमकं म्हणजे कोणाच्या भरोशावरती पाठवायचं हा प्रश्न सर्व अमरावतीकर जनतेत आता निर्माण झालेला आहे आणि भीती निर्माण झालेली आहे। हा प्रकार अतिशय निंदनीय आहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्याचा तीव्र निषेध करत आहे। भलाही काल तो जर एक अधिकारी सापडला ज्याने ते टेस्ट केली त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला, परंतु त्याचा गुन्हा हा फास्ट्रॅक कोर्टात व्हावा अशी आमची मागणी राहील आणि त्याच्यासोबत येथील जे अधिकारी आहे, आरोग्य अधिकारी काळेसाहेबसुद्धा तितके जबाबदार आहे, नोडल अधिकारी VP सिंगसुद्धा तितके जबाबदार आहे आणि संपूर्ण स्टाफची चौकशी झाली पाहिजे। काल इथे कोण होतं, इथं महत्त्वाची गोष्ट सूचनांचं फलकसुद्धा नाही आहे, इतकं बेजबाबदार हे प्रशासनाचं काम आहे मनपाचं। आणि म्हणजे कोरोनाला आपण हरवू अशा प्रकारच्या उडवाउडवीच्या थापा शासनाकडून दिल्या जात आहेत, अतिशय निंदनीय प्रकार आहे। परमिशन हाथ होता ना।
पुणे जिल्ह्यामध्ये सी एस टी तो कर्मचारी कुठचा आपला नव्हता तिथून दिला अटक झाला तो हां जे प्रकरण झालं आहे 2 दिवसापूर्वी त्या प्रकरणावर आपलं काय मत आहे आणि काय प्रखर प्रतिक्रिया असेल? हे जे ट्रामा केअरमध्ये जो प्रकरण झाला आहे तो अमरावती शहर आणि जिल्हा पुन्हा महाराष्ट्रासाठी निंदनीय गोष्ट आहे. कारण या प्रकारे कोरोनाच्या पेशंटसोबत या प्रकारे म्हणजे हे माणुसकीला न शोभणार आहे. आज आम्ही इथं मी विलासभाऊ इंगोले आणि मुन्नाभाऊ राठोड आम्ही त्याच्यासाठी आलो की जो कोणी आरोपी आहे त्याला पूर्ण कडक शिक्षा भेटली पाहिजे आणि ते ज्या पोलीससोबत हे कृत्य झालेलं आहे त्याला न्याय भेटलं पाहिजे. आणि याच्यापुढे आता आम्ही उपायुक्तांना थेच आम्ही सांगितलं की याच्यापुढे आपल्या महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना ताकीद द्या की याच्यापुढे असं कोणतंही कृत्य झालं नाही पाहिजे की ज्याच्यामुळे महानगरपालिका आपल्या शहराची आणि आपल्या जिल्ह्याची बदनामी झाली होता कामा नये. आज जो इथं प्रकरण घडलं आहे त्याच्या बाबतीत मी विलासभाऊ आणि मुन्नाभाऊ आम्ही सी पी साहेबांना आणि कलेक्टर साहेबांना यांच्यासोबतही बोलून या प्रकरणात पूर्ण चौकशी होऊन त्याला कडक शिक्षा झाली पाहिजे हीच आमची अपेक्षा. कोरोनाच्या या महामारीमध्ये या आजारामध्ये अशी घटना म्हणजे फार निंदनीय घटना आहे. आम्ही त्याचा सर्वजण निषेध करतो. महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते बबलूभाऊ शेखावत, मुन्नाभाऊ राठोड आणि मी आम्ही तिघही जण महापालिकेतून सरळ या ठिकाणी या परिसरामध्ये मोदी हॉस्पिटलमध्ये भेट द्यायला आलो. त्या मुलीवर अत्यंत निंदनीय असा प्रकार झालेला आहे आणि अशी घटना कोरोनाच्या या महामारीमध्ये या आजारामध्ये घडावी ही फार वाईट घटना आहे. आम्ही त्याचा पुन्हा निषेध व्यक्त करतो आणि तो काही महापालिकेचा कर्मचारी नाही. तो सी एसच्या अंतर्गत जे ट्रामा युनिट आहे त्या ठिकाणी काम करणारा कर्मचारी आहे. महानगरपालिकेचे कर्मचारी चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहे हेही खरं आहे. परंतु अशी घटना मोदी हॉस्पिटलमध्ये या परिसरामध्ये होणं हे फार वाईट आहे. शेवटी आई भगिणींची सुरक्षा करणं, त्यांना सहकार्य करणं हे सर्वांचं कर्तव्य आहे. अशा दृष्टीनं काम करणारे आम्ही कार्यकर्ते आहो. महापालिकेत काँग्रेस पक्षाचं नेतृत्व बबलूभाऊ शेखावत करतात. आमचे बंधुमित्र मुन्नाभाऊ राठोड यांनी या विषयाचं खऱ्या अर्थानं गांभीर्य लक्षात घेऊन महापालिकेत स्वतः येऊन आम्हाला या ठिकाणी येण्यासाठी बाध्य केलं की तुम्ही ताबडतोब माझ्यासोबत या ठिकाणी आलं पाहिजे. आणि आम्ही विलास दादा ट्रामा केअर क्षेत्राने नहीं होनी चाहिए इसकी खबरदारी पूरे अधिकारियों ने कर्मचारियों ने हम सब मिल के लेंगे. कमिश्नर से भी अभी हम मिलने जा रहे हैं, उनको भी बताएंगे और इस घटना का हम निषेध करते हैं. धन्यवाद. अनेक वर्षापासून ड्रामा केअर सेंटर बनून तयार आहे. बडनेरासाठी एक पांढरा हत्ती फक्त बनून तयार आहे, बाकी काहीच नाही आहे. आता फक्त COVID-19 आला म्हणून तिथं लॅब वगैरे स्लॅबवर घेणं सुरू आहे. तुम्ही जनप्रतिनिधी आहे अमरावती जिल्ह्याचे, अमरावती शहराचे, सरकारला ते चालू करण्यासाठी तुम्ही परवानगी मागाल का किंवा मागणी कराल का ते जेणेकरून ते चालू व्हावं? कारण की बडनेरापासून 25 ते 30 ग्रामीण भाग जुडलेले आहेत. त्या ग्रामीण भाग असल्यामुळे ड्रामा केअर सेंटर चालू असणे अतिशय आवश्यक आहे. कारण की अमरावती 10 किलोमीटर आहे, त्यामुळे तुम्ही जनप्रतिनिधी या नात्यानं ते ड्रामा केअर लवकरात लवकर चालू होईल का याकडे लक्ष द्याल का? हा ड्रामा केअर सेंटर सुरू झालं पाहिजे ही मागणी अतिशय रास्त आहे. आणि आता सध्या त्या इमारतीचा उपयोग COVID-19 कोरोनामध्ये त्या इमारतीचा उपयोग घेणं सुरू आहे. लेकिन वक्त की जरूरत ऐसी है की वो हिंदीत बोलू हां चालते ये युनिट चालू होना बहुत जरूरी है. हम स्थानिक आमदार
स्थानिक खासदार, हमारे पार्टी के आमदार सुलभाताई खोड़के, हमारे पार्टी के पालक मंत्री यशोमतीताई ठाकुर और महानगर पालिका के कमिश्नर, मैं और बबलू भाऊ शेखावत, मुन्ना भाऊ राठौड़, हम सब लोग, अगर वो ट्रामा केयर यूनिट सेंटर चालू नहीं होता तो उसके लिए आंदोलन भी करने को तैयार रहेंगे और जल्दी से जल्दी शासन से अनुरोध करेंगे कि वो शुरू किया जाए। धन्यवाद।